सब्सक्राइब कीजिए मेरे न्यू चैनल ड्रीम 14 कैफे को। हाय एवरीवन, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये छाता लेके क्या कर रही हूँ। मॉनसून, अभी तो मॉनसून सब जगह ही आ गया है और काफ़ी बारिश हो रही है चारों तरफ, क्योंकि आज का जो एपिसोड है या आज का जो वीडियो है वो मैं मॉनसून के ऊपर बना रही हूँ। मॉनसून में जो स्किन प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर। बारिश तो चारों तरफ शुरू हो गई है, काफ़ी जगह बारिश नहीं हो रही है, काफ़ी सूखा पड़ा है। कोलकाता में तो कल बारिश हुई है तो थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है अभी, लेकिन काफ़ी जगह बारिश भी हो रही है। और बारिश होने के साथ साथ, मॉनसून आने के साथ साथ स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और काफ़ी जैसे हेयर प्रॉब्लम हो जाती है या फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मॉनसून में आप किस तरह से अपनी स्किन को प्रॉब्लम फ्री और हेल्दी ग्लोइंग रख सकते हैं। तो मैं चार ऐसी चीज़ों से एक फेस मास्क बनाऊँगी या एक फेस पैक बनाऊँगी, जिससे लगाने के बाद आप मॉनसून में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, मतलब इन प्रॉब्लम से फ्री होने में। जैसे मॉनसून में मेनली प्रॉब्लम होता है फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये स्किन में वाइट पैचेस हो जाते हैं या डार्क पैचेस हो जाते हैं, उसमें काफ़ी खुजली या इचीनेस आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है और कभी कभी पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं, रैसेस निकल आते हैं। तो मॉनसून में ये स्किन प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ये काफ़ी होता है और इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेनली जो वाइट पैचेस हो जाते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उस टाइम मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें स्किन उस टाइम काफ़ी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और आज मैं जो फेस पैक या जो फेशियल आपको बताऊँगी ये मॉनसून की फेशियल है, मॉनसून स्पेशल फेशियल है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स है स्किन की वो काफ़ी हद तक आप इन प्रॉब्लम से फ्री कर सकेंगे अपनी स्किन को। और मैं इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो चीज़ें हैं, वो चारों चीज़ें ही एंटीसेप्टिक हैं उसमें, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये और बिल्कुल टोटली हर्बल है, इसमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। और इसे आप अगर हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक, अगर आप अपनी स्किन में सिर्फ 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन की जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन और एंटी फंगल इन्फेक्शन और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए ये आपको काफ़ी मदद करेगी। तो ये चार चीज़ें क्या है, एक है चंदन, चंदन तो आपको पता ही है काफ़ी सूदिंग वो होता है, काफ़ी कूल इफेक्ट देता है स्किन को, और इसमें भी काफ़ी ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये काफ़ी हेल्प करता है स्किन को सूद करने में या कोई प्रॉब्लम है उसे दूर करने में। इसके बाद है हनी, हनी भी आपको पता ही होगा, हनी मॉइस्चर करता है स्किन को, स्किन की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। और मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो है नीम, नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर मैं इस्तेमाल कर, नीम तो स्किन को प्योरीफाई करता है आपको पता है, और मेनली जो पिंपल्स प्रॉब्लम है या एंटी जो फंगल इन्फेक्शन या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में हो जाता है मॉनसून में, उसमें ये नीम की पत्ती बेहद काम आती है। मैंने खुद अप्लाई किया है इसको, मतलब देखा है ऐसे वाइट पैचेस एक बार मेरे को ऐसे हो गया था तो मैंने ये अप्लाई किया था, तो मुझे काफ़ी हद तक ये हेल्प हुआ था। और एक है टर्मरिक, तो टर्मरिक तो आपको पता ही है, टर्मरिक एंटीसेप्टिक है, इसमें भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बाद मैं किस तरह से ये अप्लाई करूँगी, देख लीजिए। ये सबसे पहले स्किन को हमें क्लींस करना है, स्किन को पहले साफ़ करना है, इसके लिए डाबर गुलाबरी और ये कॉटन बॉल से हम पहले स्किन को साफ़ करेंगे। इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हनी, हाँ एक चम्मच हनी लेंगे, एक चम्मच नीम का पेस्ट, एक चम्मच नीम का पेस्ट लेंगे, एक चम्मच
सैंडल पाउडर, एक चम्मच हम सैंडल पाउडर लेंगे, और चुटकी भर मतलब हल्दी लेंगे यहाँ पे। तो ये चार चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे इस फेस पैक को बनाने में। ये बहुत हेल्पफुल होता है, आपको बहुत ये रिज़ल्ट देगा। और अब देख लेते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। तो हम जो हनी है इसमें हम 1 टेबल स्पून नीम का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और चुटकी भर हल्दी, और 1 टेबल स्पून हम ये सैंडलवुड पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये फेस पैक इस तरह से रेडी हो गया है। तो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन को साफ कर लीजिए डाबर गुलाबरी से। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से पीछे की तरफ बांध लीजिए। इसके बाद ये डाबर गुलाबरी से पहले स्किन को साफ कर लीजिए अच्छे से। कोई डर्ट या कोई मेकअप कुछ ना लगा हो इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। व्हाइट पैचेस हो गया है, जो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो वहाँ पर एक मोटी सी परत लगा दीजिए। मेनली ये जो इन्फेक्शन होता है या तो ये होठों के पास होता है इस तरफ, या फिर आँखों के इस तरफ ये फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस जगह पर आप अच्छे से पूरे फेस पर इस तरह से इसको अप्लाई कर लीजिए इस तरह। और इसके बाद इसे कम से कम 20 मिनट्स आप इसको ऐसे ही रख देंगे। 20 मिनट्स तक ये अपना काम करेगा। 20 मिनट्स तक आप इसे पूरे फेस पर इस तरह ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद इसे आप ठंडे पानी से अपना फेस धो लेंगे। तो 20 मिनट्स वो लगा रहने के बाद आपके फेस पर 20 मिनट जब वो लगा रहेगा उसके बाद आप फेस को साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद क्योंकि आपके फेस के जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं और साफ हो गए हैं, इसलिए ओपन पोर्स को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, वरना उन ओपन पोर्स में फिर से डर्ट या मैल कुछ जम जाएगा तो फिर से पिंपल प्रॉब्लम्स या एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाएगी या फंगल इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कीजिए। तो फेस को साफ पानी से धोने के बाद आप आइस क्यूब्स लेके पूरे फेस पर इस तरह से इसको कम से कम 1-2 मिनट के लिए इसको इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। तो जो आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, और इसके बाद फेस को आप साफ टॉवल से साफ कर लीजिए, और उसके बाद जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप लगा दीजिए। इसको हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक इसको इस्तेमाल करके देखिए। अगर मॉनसून की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में होती है उनसे आपको फ्री होने में काफ़ी हेल्प करेगी ये फेस पैक। तो अगर आपको मेरी ये फेशियल वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको और कुछ पूछना है स्किन के बारे में या और कोई प्रॉब्लम्स हो जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।
Mm-hmm.